जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टर्म, डोरमेंसी। सर ये डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी जनरली क्या होता है कि अनएबिलिटी ऑफ वाइएबल सीड टू जर्मिनेट। कोई भी बीज जो उगने के लिए क्या होता है, उगने के लिए जिसमें एबिलिटी नहीं होती है, जिसमें योग्यता नहीं होती है ताकि वह जर्मिनेट नहीं हो पाता, उसको बोला जाता है किसके कारण? को डोरमेंसी के कारण वह बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता, उस चीज को बोला जाता है क्या? डोरमेंसी। तो हार्ड सीड कोट डोरमेंसी, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो आवरण बना होता है, क्या होता है, जो आवरण होता है ना, सीड कोट जिसको बोला जाता है, वो बहुत ही कठोर आवरण होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर आवरण उसमें होता है। तो हार्ड सीड कोट के लिए अपना एग्जाम्पल है बेर, ग्वावा और वॉलनट, किंग ऑफ नट वॉलनट। बेर एरिड फ्रूट के नाम से जाना जाता है बेर को, और ग्वावा गरीबों का एप्पल, पुअर मैंस एप्पल जिसको क्या कहा जाता है, वह है अमरूद ग्वावा। तो हार्ड सीड कोट डोरमेंसी वेर, ग्वावा और वॉलनट में पाई जाती है। किन किन में पाई जाती है? वेर में, ग्वावा में और वॉलनट में। देन डोरमेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बी ए। सर ये ए बी ए क्या है, तीन अक्षर का? तो ये है हार्मोन, एक चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे। पांच प्रकार के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इनको 5G, 5 PGRs के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 5 PGRs। ये ग्रुप ऑफ PGRs है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन जो है। तो उनमें आता है, क्या आता है कि ABA, जिसको क्या बोला जाता है? एब्सिसिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसिक एसिड। तो डोरमेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसके कारण जो डोरमेंसी होती है वह कहाँ होती है? तो सर वह होती है टेम्परेट फ्रूट्स में। किसमें? टेम्परेट फ्रूट्स, एप्पल, पीच, पियर और प्लम। जनरली यह मोस्ट कॉमन फ्रूट्स हैं टेम्परेट फ्रूट में, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, चेरी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेथड्स, ये हो गया अपना हार्ड सीड कोट किसमें पाया जाता है, और डोरमेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड के कारण जो डोरमेंसी पाई जाती है वह पाई जाती है अपने टेम्परेट फ्रूट में। देन मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी, किन विधियों के, किन किन विधियों के द्वारा अपन डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है? तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन, आगे एक टर्म और आएगा स्ट्रेटिफिकेशन। तो यह जो टर्म है वह स्कैरिफिकेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी, शॉर्ट कभी कभी एग्जामों में भी लिखने के लिए आ जाता है, शॉर्ट नोट्स, स्कैरिफिकेशन के बारे में लिखो, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में लिखो। तो स्कैरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, क्या करना है? ब्रेकिंग और सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट करने की, ब्रेकिंग तोड़ने की है एक प्रक्रिया है। किसको? जो सीड कवरिंग होता है, टू मेक अ परमिएबल टू वाटर और गैसेस, वाटर और गैसेस के कारण। तो इसमें फर्स्ट वन फर्दर वो क्या है, वह है मैकेनिकली, मीन्स मैकेनिकली आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं डोरमेंसी को? तो वेर, वॉलनट और पीच, क्या है सर? वेर, वॉलनट और पीच जो फ्रूट क्रॉप है उनमें आप मैकेनिकली डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। देन आता है बाय हॉट वाटर, जिसको गर्म जल उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म जल उपचार। तो ग्वावा और स्ट्रॉबेरी में गर्म जल उपचार के माध्यम से, किसके माध्यम से? हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं जिसके माध्यम से अपन डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। देन बाय एसिड, एसिड के द्वारा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा भी अपन डोरमेंसी को
ब्रेक किया जा सकता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या सर? स्ट्रेटिफिकेशन, सीड्स आर सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर। क्या है? लो टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर। चिलिंग टेम्परेचर तो आप जानते होंगे, टेम्परेचर विलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या कभी कभी माइनस में भी पहुंच जाता है, जनरली 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको चिलिंग टेम्परेचर कहा जाता है। टू ब्रेक डॉर्मेंसी, जो क्या करे, डॉर्मेंसी को ख़त्म कर दे, डॉर्मेंसी को तोड़ दे। तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट क्रॉप हैं? तो ऐसा है एप्पल, पियर, पीच, जनरली टेम्परेट फ्रूट जो होते हैं, एप्पल, पीच, पियर, प्लम और एप्रिकॉट। क्या है? एप्रिकॉट। तो एप्पल, पियर, पीच और एप्रिकॉट आपको याद रखना है, काहे में, स्ट्रेटिफिकेशन में। तो दोनों टर्म कौन कौन से? स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, सीधा कीवर्ड पकड़ना है आपको। क्या पकड़ना है? लो टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर, कीवर्ड आपको पकड़ना है। ये काय से रिलेटेड है? तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड। और स्कैरिफिकेशन में आपको बता दिया हूँ, सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर शोन ड्यूरिंग मानसून। तो मानसून के दौरान, जैसे ही मानसून चालू होता है, जनरली मानसून जो साउथ में केरल में पहुंच जाता है 1-2 जून के आसपास, इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है, तो जुलाई के टाइम पे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान के चलें, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए यह बहुत ही फ्रूट्स के लिए बहुत ही सुटेबल टाइम है प्लांटेशन के लिए। तो आपको जनरली देखा होगा आपने कि बारिश जैसे ही चालू होती है वैसे ही वृक्षारोपण का काम चालू हो जाता है। तो सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, अब सर ट्रॉपिकल में कौन कौन से फ्रूट्स क्रॉप आएंगे और सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से आएंगे, सर ये तो हमको पता ही नहीं है। तो लेमैन की भाषा में, जो आपने फ्रूट क्रॉप मोस्टली देख रखे होंगे ठेले पे, या जो खाने में सस्ते होते हैं या दिखते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सिट्रस अकेला नहीं, सिट्रस फ्रूट्स पूरा, मैंडरिन हो गया, तो ये जो फ्रूट क्रॉप हैं वो काय में आएंगे अपने? वो आएंगे सर ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल में। तो सब ट्रॉपिकल के लिए आपको क्या है? सब ट्रॉपिकल के लिए लीची है, रेम्बूटान है, तो ये जो हैं, ये फ्रूट क्रॉप वो काय में आते हैं अपने? सब ट्रॉपिकल में आते। तो ये हो गए अपने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स। पर्सिमन पैशन फ्रूट भी आते हैं इसमें। क्या आते? पर्सिमन पैशन फ्रूट। अब दो क्वेश्चन बनते हैं, लीची, लीची का उत्पत्ति स्थान, लीची चाइना, लीची चाइना, तो लीची, लीची में सी आ रहा ना, ची, लीची सी, तो सी से आपको याद रखना है चाइना। और इसमें क्रोमोसोम नंबर लीची 30, कितना? लीची 30 क्रोमोसोम नंबर होता है, 2n = 30 होता है। फैमिली, फैमिली सेपिंडेसी, क्या हो गया? सेपिंडेसी हो गया। लीची प्रोपोगेशन मेथड, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए प्रोपोगेशन मेथड, प्रवर्धन की जो विधि है वह है ईयर लेयरिंग। क्या है? ईयर लेयरिंग। सबसे ज्यादा कहाँ होती, सर्वाधिक कहाँ होती? लीची के लिए अनुसंधान संस्थान मैंने आपको बताया कहाँ, मुजफ्फरपुर बिहार में, कहाँ? बिहार। तो लीची से कितनी चीजें आपको याद हो गई? लीची, लीची चाइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, उत्पत्ति स्थान चाइना हो गया, लीची सी, सी से चाइना याद रखना है, 2n = 30 क्रोमोसोम नंबर हो गए, फैमिली हो गई इसकी सेपिंडेसी, और प्रोपोगेशन मेथड ईयर लेयरिंग। क्या है? ईयर लेयरिंग। तो ये लीची, अब लीची से लगा हुआ टर्म क्या हो गया अपना? लीची और रेम्बूटान। रेम्बूटान क्या होता है? जनरली इसको छोड़ देते लोग, पढ़ते नहीं है, लेकिन रेम्बूटान का मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन आता है लीची पे, क्वेश्चन है, लीची की तो फैमिली को भी बता देगा सेपिंडेसी, लेकिन जो लीची की फैमिली है वही फैमिली है रेम्बूटान की। किसकी? रेम्बूटान की। 2n = कितना होता है इसमें? 22 होता है, 22 से याद रखना है आपको, 22, 22 होता है इसमें, तो आपको ये याद रखना। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट है, निम्नलिखित में से कौन सा सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेट फ्रूट है। तो टेम्परेट फ्रूट का तो मैंने फंडा बता ही दिया, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, चेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, ये जो है ये काय में आएंगे अपने? ये आएंगे टेम्परेट फ्रूट में, ठीक है। और जो जनरली ठेले पे नजर आते हैं अपन को, जनरली दिखते हैं, जो सस्ते होते हैं, तो
मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, ग्रेप हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, सपोटा हो गया, चीकू, तो ये सभी जो फ्रूट क्रॉप हैं वो आएंगे अपने ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप में। ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, सब ट्रॉपिकल में लीची हो गया, रेम्बूटान हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इन वॉलनट, पिकेनट, जैक फ्रूट, बेर, सोन ऑफ सीड इन इन सिटू कंजर्वेशन प्रैक्टिस। सर, वॉलनट किंग ऑफ नट, पिकेनट क्यून ऑफ नट, ये क्यून ऑफ नट, नट ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना, कि किंग ऑफ फ्रूट्स जो कहा जाता है, वो फलों का राजा कैसे कहा जाता है, आपका अपना आम, मैंगो, ठीक है। क्यून ऑफ फ्रूट्स तो मैंगोस्टीन, फलों की रानी मैंगोस्टीन हो गई। अब नट में अगर अपन बात करें तो किंग ऑफ नट जो है वह वॉलनट है, क्यून ऑफ नट जो है वो पिकेनट है। ऐसे ही मसाले में, स्पाइसेस में, मसालों की रानी और मसालों का राजा, ठीक है। तो मसालों की रानी किसे कहा जाएगा और मसालों का राजा किसे कहा जाएगा, ये आप कमेंट में जब मेरा लेक्चर अपलोड हो जाए तो आप डालना इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इन सिटू कंजर्वेशन की। तो जिस जगह पर फ्रूट क्रॉप ग्रो हो रही है, या जिस जगह पर, जैसे कि अपन दूसरे टर्म में बात करें कि अपन ने क्या किया है, मूंग की खेती कर रहे हैं, तो मूंग को और उसको वहीं पे पलट दिया और वहीं उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वह इन सिटू कंजर्वेशन है। जिस जगह पे हैं आप उसी जगह पर किसी चीज़ का कंजर्वेशन करना, तो वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। तो वॉलनट, पिकेनट, जैक फ्रूट, बेर में सोइंग ऑफ सीड्स जो होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ पर सोइंग की जाती है। अब बात करते हैं अपन ऑर्थोडॉक्स सीड, दो टर्म है, एक ऑर्थोडॉक्स है और एक रिकल्सिट्रेंट्स है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है। तो सीड्स रिमेन वाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम, वाइएबल रहे लॉन्ग टाइम के लिए, किसके लिए, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, लो टेम्परेचर, लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। कितनी चीज हो गई, जो सीड्स हैं वह लंबे समय के लिए कम तापक्रम में, कम मॉइस्चर परसेंटेज में, लंबे समय के लिए अगर रिमेन्स बचे रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स सीड। क्या कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स सीड। तो ऑर्थोडॉक्स सीड के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जनरली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोडॉक्स है और कौन रिकल्सिट्रेंट है। तो मोस्टली टेम्परेट, क्योंकि बात की किसकी की गई, लो टेम्परेचर की। अभी प्रीवियस में भी आपने देखा होगा स्ट्रेटिफिकेशन में लो टेम्परेचर की बात की गई थी, चिलिंग टेम्परेचर की बात की गई थी। तो एप्पल, पीच, पियर, प्लम, एप्पल इसको क्या है कि मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है ताकि याद हो सके, एप्पल से फिर आगे कस्टर्ड एप्पल, तो एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, पीच, प्लम, फालसा, पोमग्रेनेट, पैशन फ्रूट। देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 फाइव पी हैं, कितने हैं, फाइव पी, पीच, प्लम, फालसा, पोमग्रेनेट, पैशन फ्रूट, ठीक है। फालसा फैमिली पूछी जाती है, किस फैमिली में आता है, तो टिलिएशी में आता है, किस में आता है, टिलिएशी। पोमग्रेनेट आपका अपना अनार, एक अनार सौ बीमार वाला, ठीक है। तो अनार आपको याद रखना है, अनार में क्या क्वेश्चन आता है, अनार की एक फेमस वैरायटी है अमली दाना, क्या है, अमली दाना, उसके बारे में आप कमेंट करना वो किस पर्पस के लिए है, हार्ड सीड कोट है या सॉफ्ट सीड कोटेड वैरायटी है अमली दाना, ठीक है। तो पोमग्रेनेट हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, वही पैशन जो जिस गाड़ी पे अपन लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए, लॉन्ग डे प्लांट में अपना क्या था, एप्पल था, बनाना था, पैशन फ्रूट है, तो ये वही पैशन फ्रूट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, पीच, प्लम, फालसा, पोमग्रेनेट, अनार, पैशन फ्रूट, और तीन और हैं, क्या है, डेट। तो लंबे ड्यूरेशन के लिए, लंबी जगह के लिए अपन कहाँ गए थे, पैशन फ्रूट्स पे फलों को लेके, क्यों, क्या करना था, डेट करना था, किसको करना था, वो जिसको भी जिसको करना हो तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। तो डेट, डेट, प्लम, फिग और ग्वावा, तो फिग और ग्वावा, गरीब का सिर्फ फल, पुअर मैंस एप्पल जिसको कहा जाता है वही ग्वावा,
आपका अपना अमरूद, क्या अमरूद। तो ऑर्थोडॉक्स सीड आपको याद हो गए होंगे, क्या याद रखना है इस चीज में अपन को, लो टेम्परेचर लो मॉइस्चर पर जो लंबे समय के लिए वायुबल रहते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है, ठीक है। एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, पीच, प्लम, फालसा, पॉमग्रेनेट, पैशन फ्रूट, 5P। डेट, डेट पे गए थे तो डेट, डेट पाम, फिग और ग्वावा, एक अकेला आपको याद रखना है यहाँ से, फिग और ग्वावा, अमरूद है ना। तो एप्पल, एप्पल से कोरिलेटेड है, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल से एप्पल, एक और एप्पल की संज्ञा किसको दी गई है तो पुअर मैन से एप्पल किसको कहा जाता है, तो ग्वावा को कहा जाता है। तो ऐसे करके आपको ऑर्थोडॉक्स सीड याद रखना है। तो अभी अपन ने क्या देख लिया था, अभी देखा था पहले ऑर्थोडॉक्स सीड, अब अपन देखेंगे रिकल्सिट्रेंट सीड्स। रिकल्सिट्रेंट सीड्स क्या होते हैं, सीड्स डोंट रिमेन, उसका जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा से आप याद रखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। डोंट रिमेन, उसमें क्या था, रिमेन वाइएबल, वाइएबल था ये, वाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, सो दे शुड बी शोन। क्या होता है कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए कम तापमान पर वाइबल नहीं होते हैं, तो दे शुड बी शोन, इनको क्या करना होता है, इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जैसे ही अपन ने फ्रूट से सीड को निकाला, इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन के बाद उसको अपन को क्या करना होता है, शोन करना होता है। किन टाइप सीड में, तो रिकल्सिट्रेंट टाइप सीड्स में, ठीक है। अब क्या करना है, तो याद हो गया होगा उसमें क्या था, वाइएबल था, रिमेंस वाइएबल बने रहते हैं कब तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लो टेम्परेचर के लिए, किसमें, ऑर्थोडॉक्स सीड में। लेकिन इसके साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें क्या होता है, सीड्स बहुत लंबे टाइम के लिए वाइएबल नहीं होते, तो इनको क्या करना होता है, फ्रूट क्रॉप से सीड निकालने के बाद इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन के बाद इनको सोन करना होता है, किनमें, रिकल्सिट्रेंट सीड्स में। एग्जाम्पल, फलों का राजा, फलों की रानी, ठीक है, मैंगो, मैंगोस्टीन, एवोकाडो, ये क्या होता है, एवोकाडो जो होता है इसमें फैट परसेंट ज़्यादा होता है, तो एवोकाडो आपको याद रखना है। सिट्रस, लीची, लोकोट, CLL, सिट्रस, लीची, लोकोट, जैक फ्रूट, बड़ा फल, कटहल जिसको कहा जाता है, वह है क्या, जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट की एक वैरायटी है मंकी जैक, क्या है, मंकी जैक, जैक फ्रूट की वैरायटी याद रखेंगे। रेम्बूटान, लीची के साथ अभी अपन ने देखा था, लीची रेम्बूटान काय में आते हैं, तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप में आते हैं। रेम्बूटान फैमिली, जो लीची की फैमिली वो रेम्बूटान की फैमिली, सेपिंडेसी, ठीक है। और वारवाडो चेरी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में भी सिट्रस फ्रूट क्रॉप, और सिट्रस फ्रूट क्रॉप से भी ऊपर सबसे पहला फर्स्ट नंबर जो आता है वो किसका आता है, वह आता है वारवाड़ उस चेरी का, जिसमें विटामिन सी कंटेंट की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब अपन बात करें जो मेथड्स अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, किन किन टर्म्स का जो इसमें आती हैं, पहला हो गया स्केरिफिकेशन, दूसरा हो गया स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्केरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ फ्रूट क्रॉप्स आए जिनके लिए क्या है टर्म आया अपना, क्या, ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकल्सिट्रेंट सीड्स, ये सीड्स पर टर्म है, डोरमेंसी सीड्स को लेके, तो ये सीड्स पर अपन ने बात की। अब आगे आता है केमिकल ट्रीटमेंट, तो 0.2% पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 से अपन को सीड को क्या करना है, ट्रीट करना है, ताकि उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। यूज ऑफ हार्मोन्स, तो यूज ऑफ हार्मोन्स में अपन 100-500 ppm GA3 जिब्रेलिक एसिड GA3 को यूज करेंगे, 500 ppm इथरल का यूज करेंगे, काय के लिए, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या टर्म है, क्रायो प्रिजर्वेशन, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन,
तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में एट माइनस कितना है, -96 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस में है टेम्परेचर, कितना है माइनस में, जब टेम्परेचर जाता है तो लिक्विड नाइट्रोजन में -96 पर स्टोरेज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन अधिकतर मोस्टली पूछा जाने वाला टर्म है, जिसके लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं, +96 रखते हैं, +92 रखते हैं, -92 रखते हैं, तो -96 टेम्परेचर रखते हैं, और लिक्विड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे तो 43 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे। देन आगे टर्म है क्रायोप्रोटेक्टेंट, क्या है सर क्रायोप्रोटेक्टेंट, तो क्रायोप्रोटेक्टेंट में आपको याद रखना है ग्लिसरॉल और DMSU, तो ये वो NCC वाला DMSUs नहीं है, इसको पढ़ना है आपको DMSO, डाई मिथाइल सल्फाइड, क्या डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो डोरमेंसी का ये अपना एक पूरा लेक्चर है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के अलग अलग आपको मेथड्स बताए गए हैं, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, और बाय केमिकल, बाय हार्मोन्स, बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो आज की क्लास आपकी ख़त्म होती यहीं, तो इतना अच्छा कंटेंट आपको हॉटी हब कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो अपलोड होने वाला वीडियो है वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।